नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ रश्मि वारे। आजादी के 70 बरस बाद भी साफ पानी की बूंद बूंद के लिए सूबे की जनता आज भी तरस रही है। पानी के बिना जीवन की कल्पना मानो बेमानी सी लगती है। जल तो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक है, लेकिन प्रदेश में जीने के लिए सबसे जरूरी पानी ही अब जहरीला हो चला है। जी हाँ, गरियाबंद जिले के किडनी की महामारी से प्रभावित सुपेबेरा गांव में प्रदूषित पानी पीने से मौतों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिला प्रशासन की तमाम लाख कोशिशों के बाद भी सुपेबेरा मौत का गांव बन चुका है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के पानी में जहर है, और इसे पानी को पीने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीला पानी पीने से आए दिन दर्जन भर से ज्यादा लोग बीमार रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग अपंग हो रहे हैं। बावजूद इसके इस गांव की सुध लेने के बजाय पक्ष और विपक्ष मामले में राजनीति करती आ रही है। आखिर कब तक जिंदगी की कीमत पर राजनीति की जो रोटियां हैं वो फेंकी जाएंगी? आखिर कब तक सरकार की लापरवाही की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ेगी? और ऐसे में आज चर्चा व्यवस्था कब तक बेदम के इसी खास मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ पेयजल की कमी ही समस्या नहीं है, बल्कि प्रदेश के भूजल स्रोतों में नाइट्रेट, फ्लोराइड, कैडमियम और कोमियन के प्रदूषण के चलते जमीन के अंदर का पानी भी अब जहरीला हो चुका है। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के किडनी प्रभावित सुपेबेरा गांव में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी मौत का तांडव जारी है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान सरकार अब तक नहीं निकाल पाई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 70 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन स्थानीयों की माने तो 111 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 और नए मरीज सामने आए हैं, जो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर वाहवाही लूटने में लगी है। चाहे पूर्व बीजेपी सरकार हो या फिर वर्तमान की कांग्रेस सरकार, दोनों सिर्फ खाना पूर्ति ही करती नजर आ रही है। सुपेबेरा निवासी त्रिलोचन सोनवानी ने कहा है कि आज तक की रोटी बेटी के रिश्ते से सुपेबेरा कट गया है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर डायलिसिस मशीन भेजी गई थी वो भी चालू नहीं हुई है। परिवार के 17 सदस्यों को किडनी की बीमारी के कारण खोने की बात भी उन्होंने कही है। इस वक्त हम डीकेएस हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, वहां से इलाज कराने के लिए यहां पे त्रिलोचन जी यहां पहुंचे हुए हैं, जो किडनी के लड़ाई के लिए 4 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कई बार जेल गए हैं, कई बार इनके ऊपर FIR भी हुआ है। अभी वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है उनसे जानते हैं। त्रिलोचन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में? सब जानते हैं कि सुपेबेरा गाँव मौत का गाँव बन चुका है, लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं। सर, ये तो सही बात है सर, ये 2005 से ही ये घटना चालू हुई है हमारे सुपेबेरा का, और लगभग 113 लोग की खत्म हुई है सर। अपना गांव की आंकड़ा है, सरकार देखा जाए तो इसके 70 की है, लेकिन अभी भी सर लगभग 200 किडनी पॉजिटिव पेशेंट है। कल ही दौरा हुआ था स्वास्थ्य मंत्री जी का, वहाँ हाथ जोड़ के भी नमस्कार किए कि आप लोग आगे की इलाज कराओ। जिस समय पूर्व सरकार थे, रमन सरकार थे, उस समय बहुत सारे पेशेंट आए सर, मेकाहरा में भाग के भी गए, कई सारे पेशेंट मर भी गए। उस बेस में लोग में एक दहशत थी कि हम लोग जाएंगे तो इलाज ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी एक लालबंधु क्षेत्र पार है जो डीकेएस में एडमिट है, लगभग 6 महीना हो गया, 85 बार सर डायलिसिस हो चुका है। लेकिन वही बात है कि सिर्फ डायलिसिस होने से ही इलाज नहीं होता, इस टाइप का नहीं है, लेकिन बाहरी खर्चा वगैरह जो भी है उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा यही है कि बाहर में जो मेडिकल जो मिलना चाहिए वो भी फ्री मिले, तो वहाँ से सर और एक विलपना है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही, बहुत दुख की बात है, और बहुत सारे लड़के का भी है, उनका भी रिश्ता नहीं हो पा रहा कि अरे वहाँ से अगर लड़की ले आएंगे तो पहले ये बोलते कि इनका क्रिएटिनिन टेस्ट कराओ। तो अभी आपने सुना उस शख्स को जो किडनी की लड़ाई के लिए 4-5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे, उसके बावजूद उनको कई यातनाएं सहने को मिला, तो इसी का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार के लिए मोर्चा खोल दिए थे। अब इनके लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि अब ये किस तरह की व्यवस्था करते हैं। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। सुपेबेरा मामले को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा करने वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद किडनी पीड़ितों का दर्द भूल गई है, तो वहीं भाजपा सरकार के द्वारा इलाज के लिए की गई सारी व्यवस्था फेल नजर आ रही है। सुपेबेरा में मौत का तांडव लगातार जारी है। मंत्री, विधायक, अधिकारी, विशेषज्ञ दौरा करते ही रहते हैं, लेकिन 6 साल बाद भी अब तक कोई विकल्प नहीं निकला है।
इस मामले में भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि मामला गंभीर है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, इनसे जानते हैं इस सुपेड़ वगैरह में किस तरह की व्यवस्था आगे होनी है। सर, पूर्व में बीजेपी सरकार ने जो व्यवस्था की है आज तक वो लागू नहीं हो पाया है। देखिए, सरकार को सुपे बेड़ा का व्यवस्था को ईमानदारी से लागू करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं है और इसमें बयान की भी जरूरत नहीं है कि पिछली सरकार में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, इस सरकार में ये अब वहाँ का मौत का तांडव समाप्त करना चाहिए। 5 सालों में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 70 लोगों की मौत हुई है और यही स्थानियों का कहना है 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सरकार ने डायलिसिस मशीन भेजा था वहाँ 2 साल पहले, जो आज तक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ न टेक्नीशियन है न उस मशीन के जानकार है। मैंने यही चीज कहा, ये राजनीतिक बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, मृत्यु अगर किसी की हो रही है, अपने प्रदेश का अगर कोई नागरिक है, वहाँ का व्यक्ति है, उसके साथ में गंभीर है, तो उसका इलाज होना चाहिए, व्यवस्थित इलाज होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स भेजना चाहिए। जैसे आपने कहा कि पर्याप्त यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन पूर्व सरकार ने 2 साल पहले 2 हॉस्पिटल को चिन्हित किया था राजधानी में कि पीड़ित हैं उनका निःशुल्क इलाज हो, एक DKS है, दूसरा राम केयर। तो यहाँ भी मरीजों से पैसा वसूला जा रहा है, लाखों रुपए उनके खर्चे हो रहे हैं। देखिए, अगर ये अगर काम कर रहे हैं कि वहाँ पे मुफ्त इलाज होना चाहिए, वहाँ पैसा वसूल रहे हैं, तो बेईमानी है और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। चलते चलते आपसे लास्ट सवाल हम जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे 5 सालों से सिर्फ राजनीति हो रही है कि इसका कोई इलाज है आपके? देखो, मैं आज भी कहूंगा सत्ता पक्ष से, मुख्यमंत्री जी से, कि राजनीति नहीं होना चाहिए, ईमानदार व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर इलाज होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स भेजना चाहिए, मशीन चालू करना चाहिए और जो व्यवस्था हो सकती है वो सारी चीज करना चाहिए। तो अभी आपने सुना बीजेपी सांसद सुनील सोनी जी को, जिनका कहना है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए जबकि उसका उपचार होना चाहिए। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कुल मिलाकर सुपेबेड़ा गांव की कहानी पीपली लाइफ की तरह बनती जा रही है। नेता गांव में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और आश्वासन का झुंझुना पकड़ा कर चले जाते हैं। अब गाँव के लोग भी बस ऊपर वाले को ही अपना सहारा मान रहे हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि मामले को लेकर सियासी दल जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं उससे यही लगता है कि नेता सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेककर ग्रामीणों के साथ छलावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुराज एक्सप्रेस। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया, आइए तारुफ आपका करवाते हैं। राकेश गुप्ता है, कांग्रेस चिकित्सक प्रकोष्ठ अध्यक्ष। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका। त्रिलोचन सोनवानी सुपेबेड़ा पीड़ित है। सोनवानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुणाल शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपका ही रुख करूंगी और मेरा सवाल सीधा और बेहद साफ है और उम्मीद करती हूं कि सीधा और साफ ही जवाब आपसे भी मुझे मिलेगा। 14 साल में सरकारी आंकड़े सिर्फ 70 मौतों की का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 107 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। आखिर सरकार बदल गई है, सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन सिलसिला मौतों का नहीं थम रहा है। जिम्मेदारी बनती है आखिर किसकी? देखिए, जो व्यवस्था है वो जिम्मेदार है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहता हूँ कि जो नीति बननी चाहिए कि सबसे पहले रोग के कारण को पहचाना जाए और दूसरा जो लोग बीमार हैं उनका इलाज किया जाए, ये दोनों चीजें जो हैं ये प्रगति पर हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री पिछले 8 महीने में 2 बार वहां गए। इलाज की व्यवस्था तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो प्राथमिक इलाज है वहाँ हो सकता है, लेकिन जो गंभीर किस्म के मरीज है वहाँ का जो मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में सुपेबेड़ा बहुत भौगोलिक स्थिति से दुरूह स्थिति में है, वहाँ पर नहीं हो सकता है। मरीजों को रायपुर ही लाना श्रेयस्कर होगा और इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी। और स्वास्थ्य के प्रति यहाँ जो मुझे ऐसा लगता है कि अनिश्चितता है, अविश्वास है, वो धीरे धीरे कम होगा और मरीज यहाँ आने को, चूंकि वहाँ का स्थानीय बालक यहाँ पर DKS में है तो उनको थोड़ा सा अपनापन लगेगा और उनकी देखरेख मुझे लगता है कि स्थानीय व्यक्ति के होने के कारण ज्यादा अच्छे से हो चुकी होगी और वहाँ के लोगों को विश्वास बनना चाहिए कि सरकार यहाँ पर इलाज की पूरी व्यवस्था करेगी। लेकिन प्राथमिक तौर से मरीजों की पहचान और उनके खान पान में इस प्रकार के जो लौह तत्व हैं, खनिज की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में बहुत ज्यादा दुरूह है, तो पहचान होने के बाद वहां पर पानी
और खाने पीने की चीजों में जो जा रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा बीमारी की रोकथाम होनी चाहिए, ना कि क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ज्यादा बेटर है, मतलब किसी बीमारी के इलाज के लिए, तो प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि 14 साल 2005 में इस बीमारी के बारे में पता चलता है कि वहां के पानी में क्या कुछ चीजें पाई जा रही हैं जिसकी वजह से ये स्थिति है, लेकिन जिस तरह से नल जल की व्यवस्था की गई है उसमें भी किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी आखिर क्या कर रहा है, क्यों ऐसा कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की जाती कि वहां के लोगों को स्वस्थ और निर्मल और स्वच्छ पानी मिल सके, जिसकी वजह से लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। देखिए, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रोजेक्ट था जो आना चाहिए था समय पे, वो बहुत ज्यादा अनड्यू डिले हो गया है। मुझे लगता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि उसकी डीपीआर तैयार हो रही है और करीब 15 दिन पहले वो डीपीआर तैयार हो गई होगी। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का जो आसपास के 23 गांव में साफ पानी का प्रोजेक्ट है, वो तेल नदी से वहां पर धरातल पर उतर आएगा। पहला ये प्राथमिक तौर पे जो इलाज की व्यवस्था है वो साफ पानी की है। उसके अलावा जो खाने में लौह तत्व है, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से एक दल आया था, उन्होंने मिट्टी की जांच करके बताया है कि जो लौह तत्व है उसे खाने पीने की चीजें, खासकर वहाँ जो सब्जियां और चावल उगता है वो खाना हमें रोकना होगा, ताकि बाहर से खाद्य पदार्थों की सप्लाई की जा सके। ये एक प्राथमिक व्यवस्था है। लेकिन जो मरीज सब क्लिनिकल लेवल में क्रिएटिनिन जिनका बढ़ रहा है, लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद उनकी पहचान करनी होगी। बहुत कड़वा सत्य है ये, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मरीज इस अवस्था में पहुंच गए हैं उनके जीवन काल को सरल बनाया जा सकता है, लंबा बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों किडनियां खराब होने के बाद उनको बहुत लंबे समय तक इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी, हाँ, लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है और ज्यादा अच्छा होगा कि वो मरीज यहाँ पर आए और इलाज कराएं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुणाल जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर फील्ड में आप एक्टिव रहे हैं, आजादी के 70 साल बाद और मध्य प्रदेश से पृथक हुआ छत्तीसगढ़ 2000, मतलब 2000 से अब तक अगर प्रदेश को देखें तो 19 साल हो गए, हम प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी तक नहीं उपलब्ध करा पाए। क्या वाकई में यही समाजीकरण है, यही तरक्की है और यही विकास है प्रदेश का? देखिए, वाकई निश्चित रूप से मुझे तो शर्म आती है कि आजादी के 70 साल बाद भी जो है दूषित जल पीने से जो हमारे ग्रामीण वासी हैं वो मर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सुपेबेड़ा की भौगोलिक स्थिति राजधानी रायपुर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। राजधानी रायपुर में अगर आप देखेंगे तो 15 सालों में तमाम सौंदर्यीकरण हो जाते हैं, बड़े बड़े उद्यान जो है उनको विकसित किया जाता है, लाइटिंग लग जाती है, परंतु शर्मनाक बात यह है कि 70 ग्रामीण जो है किडनी की बीमारी से इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वह दूषित पानी पीने को मजबूर थे। और जैसा कि अभी यहाँ पे भाजपा के सांसद सुनील सोनी भी बात करते मुझे दिख रहे थे, वो कह जरूर रहे थे कि राजनीति नहीं होना चाहिए, उन्होंने तमाम तरह के उसमें वादे किए, अगर उनमें जरा भी मानवता रहती तो मुझे लगता है कि वो तत्काल घोषित कर देते कि सांसद निधि से जो है मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे तत्काल लगा जाने की घोषणा करता हूँ। देखिए, मैं बार बार ये कहते रहा, मैंने पिछली सरकार में भी ये चीज कही कि 10 लाख रुपए का सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इस समस्या का निदान कर सकता था। अगर सरकारें यह लगवाने में भी असफल रहती तो हम लोगों को पता है, मैं हम लोग निकल जाते हैं और जो है उसको जनता के सहयोग से उसको पूरा करके उसको जो है उस समस्या का निदान करते हैं। तो देखिए, समस्या साफ तौर से वहाँ के पानी में है, उसके वहाँ के पानी में हार्ड मेटलिक तत्व तो पाए गए हैं जो कि किडनी और लीवर के लिए बेहद घातक है। जबलपुर की चाहे लैब हो चाहे अन्य जो लैब है वहाँ पे उसके पुष्टि भी की जा चुकी है कि वहाँ पे दूषित पानी पिए जाने से जो है लोग मर रहे हैं। अब ये जो है जल संसाधन विभाग या पीएचई जो है वो जो है अभी तक प्लांट नहीं लगा पा रहा है, घोषणा जरूर हो जाती है, हर बार घोषणा होती है। सुपेबेड़ा वार्ड बनाने के पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री जो अजय चंद्राकर थे पिछली सरकार में, उन्होंने घोषणा की, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो वार्ड भी अब गायब है। तो देखिए, एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अधिकारी हो या ये वर्तमान सरकार है और पूर्ववर्ती सरकार है, इस मामले पे सिर्फ लीपापोती की बात ही कर रही है। ग्रामीण मरते हैं तो मर जाए, इनसे मुझे लगता नहीं कि सरकारों को कोई फर्क पड़ते दिख रहा है। बिल्कुल, बाकी वैसे ही कह रहे हैं, आपकी सरकारों को कोई फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है, ये लग भी नहीं रहा है। त्रिलोचन जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, कई लोगों को आपने खो दिया और कई लोग ग्रसित बताए जा रहे हैं,
कितना संघर्षपूर्ण आपका अब तक का संघर्ष रहा है, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को, स्पेशली अगर मैं आपके रिगार्डिंग बात करूं तो आपको क्या कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी? मैम पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2005 की ये घटना है जिसमें बहुत सारे लोग मर गए मैम, लेकिन ना ये 2007 में ही ज्यादा करके ना मीडिया के सामने आई है, तब ये उछाला गया है कि ये सब हो रहा है। मैं पहले मैम रायपुर में ये जॉब करता था, तो मैंने 2016 में गांव गई और उसमें देखा कि एक हफ्ते में 9 लोग खत्म हो गए, तो मैंने सोचा कि क्यों मर गई इतने लोग। उसके बाद वहाँ के डॉक्यूमेंट वगैरह में जितने भी है संघर्ष करके ना एक भानीपटना उड़ीसा के डॉक्टर के पास गया, वहाँ पता चलता है कि किडनी के कारण ये डैमेज हो रहे हैं, ब्लड यूरिया क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मेरे पापा का भी खोया हूँ मैं किडनी के कारण, और ऊपर से मेरे घर के ही 17 आदमी की डेथ हुआ है, और अभी तक अगर देखा जाए तो 113 की मौत हुई है, सरकार के आंकड़ा है 70, लेकिन अभी तक मैम जो पानी एक्चुअली हमको मिलना चाहिए, जो पानी एक्चुअली हमको मिलना चाहिए वो पानी अभी तक नहीं मिल रही है। अभी भी दो बोर खोद दिए वहाँ का पानी डेड आता है, फर्स्ट टाइम में वो पानी में बैक्टीरिया आती है, 3 आर्सेनिक थियोफ्लोराइड का रिमूवल प्लांट लगाया गया वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि मरने के बाद ही मंत्री लोग पहुंचते हैं ना, ये दुख की बात है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है, तो उसके बाद ही लोग जागते हैं अपनी नींद से और फिर पहुंचते हैं। बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पे एक बड़ा ही बड़ा सवाल उठा रहे हैं त्रिलोचन जी कि लोगों के मरने के बाद ही लोगों को क्यों संज्ञान में आता है कि भाई इस जगह पहुंचना है। आखिर 8 से 9 महीने की सरकार आपकी भी हो गई है प्रदेश में, अगर पिछली सरकार ये काम नहीं कर पाई तो तत्काल प्रभाव से आप लोगों को पानी की लाइन तो बिछा देनी चाहिए थी। जब देखा जा रहा है कि वहां पे पानी में ही सबसे बड़ी दिक्कत है, तो वहां पे तो जिस तरह से जो नल खोदे जा रहे हैं उनको तो खोदने का कोई मतलब ही नहीं है, आप वाटर की सप्लाई क्यों नहीं करते? देखिए प्रोजेक्ट आना था और ये कहा गया कि प्रोजेक्ट करीब करीब कंप्लीट होने को है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पानी का प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं है और इसका डीपीआर तैयार हो रहा है, इसकी त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पानी देर से पहुंचा ये मानता हूं कि भूल है, और जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी या जनता जैसी व्यवस्था चाहती है वो नहीं हो पाई है। ये जो लोग इसके लिए सामंजस्य के लिए जिम्मेदार हैं उनको सामंजस्य आपस में बैठाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और पीएचसी दोनों की जिम्मेदारी है। नहीं है ना, हम और आप इससे पीड़ित नहीं है, तो शायद हम और आप उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं स्वयं सूखे बेड़ा गया हूं और हम और आप पीड़ित नहीं है ना, क्योंकि हमने अपने परिजनों को नहीं खोया है नहीं इस बीमारी से। शायद इसलिए जो सरकार में बैठे हुए भी लोग हैं, जो तत्कालीन सरकार थी उसमें भी बैठे हुए लोग शायद इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं शायद, तो आप लोगों को तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था सर। गंभीर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ गए दल में मैं था, वहाँ की स्थिति को मैंने देखा है और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार जानकारी मैं लेते रहता हूँ, स्थिति का अंदाजा है। और मुझे लगता है कि जो सब क्लिनिकल किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनकी संख्या काफ़ी है, उनकी पहचान की ज़रूरत है, या लगातार जिनका सीरियली सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया बढ़ रहा है उनको भी विश्वास में लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक करीब करीब मेडिकल इमरजेंसी आसपास के 23 गांवों में है, जो स्वास्थ्य अमले के प्रति अविश्वास है उसको वापस लाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, यदि स्वास्थ्य अमले के प्रति विश्वास वहाँ के नागरिकों का नहीं होगा। हॉस्पिटल को ये जिम्मा दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज का, उन पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आखिर वो क्यों पैसे वसूल रहे हैं, इसको लेके अभी तक कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनी है, बार बार अनियमितताएं हो रही हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी हुई, आपकी सरकार में भी हो रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसको भी मानिए सर। देखिए पैसे वसूलने की बात तो सुनी सुनाई है, मैं त्रिलोचन जी जवाब दीजिए, अंतर्गत उनका इलाज हो रहा था, त्रिलोचन जी आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जवाब दीजिए। अभी भी किसी प्रकार के पैसे की ये पहली बार इतने दिनों मैं सुन रहा हूँ। हमारे गांव के लोग ना मेकाहारा आए हैं, 12 पेशेंट आए थे जी, वहाँ से लगभग 7 पेशेंट की डेथ हो गई मैम और 5 भाग के गए, क्योंकि ना वहाँ पे संजीवनी का अभावी ना फार्म भी भरा गया था, तो उस समय पुनीत गुप्ता जी थे उस समय ना पेशेंट को लिख के देते थे कि ये टेबलेट ये गोली और ये इंजेक्शन लगाना है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन लोग ना पेशेंट को बोलते हैं खरीद के लाओ, पेशेंट कहाँ से खरीद के लाएगा मैं,
बिल्कुल, ये तो अक्षम्य दो दो तीन तीन जो रिलेटिव है उन लोग आते थे, उनको खाना नहीं मिलता था। कुणाल जी मतलब घनघोर लापरवाही, कुणाल जी घनघोर लापरवाही, जिम्मेदारी लेने वाले तैयार नहीं। देखिए मतलब ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, और जैसा कि ये देखिए समस्या जो है सामंजस्य बैठाना पड़ेगा या जानकारी ले रहे हैं, इससे नहीं होगा। नौ महीने देखिए कम नहीं होता, नौ महीने बहुत होता है। नौ महीने में तो एक गर्भवती स्त्री है, एक शिशु को जन्म दे देती, तो अभी सरकार को भी माफ हम लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि शुरुआती दौर था, एक दो महीने हुआ था तो बातें अलग थी, परंतु नौ माह देखिए बहुत होता है। और आप नौ माह में अगर आप साफ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो पूर्ववर्ती सरकार को जब हम लोग बातें करते थे या आप विपक्ष में रहते हुए रमन सिंह सरकार को घेरते थे, तो मतलब देखिए सब चीजें तो अब धराशायी होते हुए लग रही है। तत्काल ये फिर से पुनः मांग करता हूं कि सोलर जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है, तत्काल लग सकता है, और इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ 10 से 20 लाख रुपए में सब जो है लग जाता है। अब सरकारें क्यों नहीं लगवा पा रही है, क्योंकि राकेश जी आपके साथ हैं, क्या ग्रामीणों की मौत। बिल्कुल कुणाल जी, क्योंकि राकेश जी पैनल में बैठे हैं, जरा उनको ये भी बता दीजिए कि 9 महीने का भी वक्त नहीं लगेगा इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वक्त भी बता दीजिए कितना लगेगा, क्योंकि दोबारा जब हम कभी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। निश्चित रूप से भाई मैंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पता किया था कि सोलर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने का लगता क्या है। तो देखिए 10 से 20 लाख रुपए मात्र उसका खर्चा है। इसी से समस्या का अगर निदान हो जाता, कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं उस गांव में, जो है 2000 लोग वहां पे, 1200 लोग वहां पे रहते हैं। तो देखिए अब ये जो चीजें हैं ना धाराशाही होती दिख रही है। 9 महीने देखिए बहुत होता है, 9 महीने क्या 9 दिनों में उस समस्या का हल जो है सुपा बेड़ा के लोगों के लिए कर देना था, परंतु 9 माह बीत जाने के बाद भी अगर अब आपकी सरकार भी पीने का साफ पानी ग्रामीणों को नहीं दिला पा रही है, ये तो अक्षम्य अपराध मैं इसको कहूंगा। बिल्कुल वाकई में अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध कहूंगा मैं। बिल्कुल वाकई में राकेश जी आपने खुद ही बता दिया 1200 कुल महज 1200 आबादी है, और 1200 लोगों के लिए अगर हम साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट जी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुरुआती दौर के बाद वहाँ दूषित पानी आने लगा, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। चूंकि बस्ती के थोड़ा बाहर है, इसलिए बस्ती वालों ने मांग की कि दोबारा उसको करना पड़ेगा। कुछ वहाँ के नलकूपों को दूषित पानी आने के कारण बंद करना पड़ा, अब वहाँ पर कार्रवाई जारी है। मुझे लगता है कि वहाँ पर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ जाएगा और नए पानी की व्यवस्था की जाएगी। मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, ठीक है। जो कुछ भी दिक्कतें आई, जो कुछ भी खामियां आई, उनके चलते आपको उन नलकूपों को बंद करना पड़ा, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी बंद करना पड़ा, नए सिरे से आप लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में वहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, 1200 लोग हैं, वही पानी पी रहे हैं, दूषित पानी पी रहे हैं। अब आप सोचिए कि मामला कितना सीवियर होता जा रहा है। सर वहाँ जो दो नलकूप काम कर रहे हैं उसमें दूषित जल नहीं है, लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि केवल दो नलकूप पर्याप्त नहीं है, वहाँ और नलकूपों और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं ये बात जोर दे के कहना चाहता हूँ कि केवल सुपेबेड़ा में देखिए, इसके लिए तेल नदी का वाटर प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे आ जाएगा अगले कुछ दिनों में, और सर, इसी महीने के अंत तक। सर मेरा सीधा सवाल है, कुछ दिनों का आपने जिक्र किया है, आप मुझे टाइम फ्रेम बता दीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ताकि मैं टाइम फ्रेम मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि योजना से सीधे तरीके से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये जाना है वहाँ के इंजीनियर से, पीएचई के इंजीनियर से, कि कुछ दिनों में डीपीआर धरातल पे आ जाएगा। 19 साल में वहाँ के पीएचई इंजीनियर अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाए, तो अभी कुछ दिन में क्या व्यवस्था करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। त्रिलोचन जी क्या कुछ समस्याएं हैं, आप चैनल के माध्यम से इस वक्त अभी भी बता सकते हैं, और कितना टाइम फ्रेम चाहिए और कितने लोग और ग्रसित हैं, आप इसकी जानकारी अभी राकेश जी को दे दीजिए, ताकि लोग सिर्फ दौरे करने ना आए, जब आए तो आपकी समस्याओं का निराकरण हो। अभी भी 200 किडनी पॉजिटिव पेशेंट है मैम, क्यों आना नहीं चाहते रायपुर ये बता देता हूँ मैं। एक्चुअली जो मेकाहारा का है वो आपको मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात है, एक लालबंधु छत्रपाल डीकेएस में एडमिट है, लगभग 87 बार डायलिसिस हो चुका है, लेकिन जो बाहरी मेंटेनेंस है उनके परिवार के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि ब्लड
दो दिन तीन दिन के बाद एक एक ब्लड लगता है, ब्लड खरीदना पड़ता है, उनके मेडिकल में जो भी दवाई खरीदना पड़ता है, तो पेशेंट कहाँ से खरीद पाएगा? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैम हमारे गांव में ज्यादा करके ना घर के मुखिया का तबियत खराब हुआ है, तो उन लोग अगर 6 महीना 3 महीना आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, उनके परिवार को कौन देखेगा, कौन भरण पोषण करेगा? बिल्कुल राकेश जी, क्या कोई ऐसी योजना है सरकार के पास कि अगर मुखिया ही इस बीमारी से ग्रसित है तो उनके लिए आर्थिक सहायता की जाए? और इलाज इतना ज्यादा महंगा है कि परिवार और जो पीड़ित के जो परिजन है उनके खाने तक के लाले पड़ जाते हैं सर, सरकारों की लापरवाही भुगतना आम जनता को पड़ता है। ये जांच, ये वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय। इन्होंने कहा कि ब्लड खरीदना पड़ता है या दवाई खरीदनी पड़ती है, जांच का विषय। मुझे ऐसा लगता है कि डीकेएस के जो अधीक्षक हैं उनके संज्ञान में बात मैं कल ही लाऊंगा, और इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं ये आपराधिक लापरवाही है। खुद सोनवानी जी मेरे से परिचित हैं, जब सुपेड़ा गए थे तो मैं इनसे मिला था। यदि इनको किसी प्रकार का कष्ट है तो मैं इन्हें अपना फोन नंबर दूंगा, मुझे अपना समझ के यदि ये बातें बताया करेंगे तो मैं इन बातों को सिर्फ बातें बताने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक आपको राकेश गुप्ता, राकेश जी के पीछे लगे रहना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी समस्या का समाधान कल ही होगा। बिल्कुल। कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी कुणाल जी, क्योंकि वक्त की बेहद कमी, वक्त खत्म हो चला है। कंक्लूडिंग रिमार्क कुणाल जी। देखिए मैं तो बार बार यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि तत्काल जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया है सबके संज्ञान में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो प्लांट है उसको ठीक कराया भी जा सकता था परंतु सरकार ने नहीं कराया, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की थी। दूसरी बात आप देखेंगे तो जो दोषी अधिकारी थे चाहे जल संसाधन विभाग के हो या जो स्वास्थ्य सेवाओं के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ग्रामीण हमारे जो भाई थे तिल तिल करके मरते गए, तो देखिए जिम्मेदारी तय होना चाहिए, ग्रामीणों की समस्या का निदान तत्काल निकलना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत संक्षेप में। देखिए सोनवानी जी से मेरी विनती है, और वहाँ बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुझे पहचानते हैं, उनके पास फोन नंबर भी होगा, किसी प्रकार की सुपेबेड़ा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो तो वहाँ जनप्रतिनिधि को बताएं या फिर मुझे तत्काल फोन करके बता सकते हैं, मुझे अपना समझें। मैं वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी पानी के, पीने के पानी के संबंधी जी आप बिल्कुल अपना समझिए, और स्वराज सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश रहेगा जब तक सुपेबेड़ा के क्षेत्रवासियों को, ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक उनको बेहतर इलाज नहीं मिल जाता। स्वराज एक्सप्रेस की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया त्रिलोचन जी चर्चा में शामिल होने के लिए, कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आजादी के 70 साल बीत गए लेकिन साफ पानी नहीं मिल रहा है, लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित होकर या अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब यहाँ पे किस तरह से हालात बेहतर होते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।